तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक और वॉरशिप के एपिसोड के साथ। और लिटरली गाइस आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी है। ये प्लेयर करके जो नेम है वो हमारे इंडियन एट द रेट लीजन का एक भाई है, और ये अपना नो भाई, और पीछे थे वन क्लू गेमिंग भाई। तो लिटरली आज के वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और गाइस आप देख सकते हैं ये गेम कोई स्कैम नहीं है, आप इसको प्ले स्टोर पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा गेम है। और लिटरली इस गेम को खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, और भाई बाहर के कंट्री के प्लेयर्स भी काफ़ी इसको खेल रहे हैं, और हमारे कंट्री के प्लेयर्स भी बहुत सारे खेल रहे हैं इसको। तो लिटरली ये सिर्फ का पीवी बैटल ग्राउंड गेम है, तो यार मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। बट आप इसको जितना ज़्यादा खेलोगे उतने आप इसमें प्रो बन सकते हैं, शायद ऐसे ही होगा कुछ। बट यहाँ पे थोड़ा सा पे टू विन है, क्योंकि इसमें जो एक शिप है वो आपको 320 रुपये में मिल जाती है, बाकी तो आप कोई भी शिप ऐसे खरीद नहीं सकते। बट आप थोड़ा सा खेलोगे तो आप अगर 20 लाख डॉलर इकट्ठा कर लोगे तो जो शिप आपको पे करने पे मिल रही है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो लिटरली काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक मुझे पता है कोई इंडियन कंपनी का गेम है, मैंने पूरी रिसर्च तो की नहीं है, बट मैंने सर्च किया था गूगल पे, बट मेरा खुल नहीं रहा था। बट वहाँ पे किसी इंडियन, यहाँ शायद इंडियन कंपनी का ही नाम आया था, तो देखते हैं। तो गाइस अभी इस तरह में, मतलब इस राउंड में तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी शिप आ रखी है, और हम लोगों ने काफ़ी सारी शिप्स तो मार गिराई है, बट अभी सिर्फ दो शिप बची है, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो यहाँ पे इस शिप को हम उड़ा देंगे, और यहाँ पे आप लोगों को मतलब इंडियन नेवी और बाहर के सारे नेवीज में कौन कौन सी शिप है वो सारी आपको देखने मिलेगी। तो इस गेम में बहुत सारी शिप है, बहुत सारा बैटल है, तो काफ़ी मज़ेदार गेम है। एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आप इंडियन गेमिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस गेम को ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, और यहाँ पे मतलब मैं लास्ट वाली शिप को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, बट तब तक वो फिनिश हो चुकी थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे तो ये रेट्स मांग रहे हैं, बट अभी हम नहीं देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वन क्लू भाई ऑफलाइन चले गए शायद, नहीं वो इसके बाद के राउंड में ऑफलाइन चले जाते। और भाई काफ़ी मज़ा आया इस गेम को खेलते खेलते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे शिप्स है, बहुत सारे शिप्स है, ये 19 लाख की, 18 लाख की, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास 5 लाख पड़े हैं, ये 25 लाख की है। और यहाँ पे ऐसे ही आपको बहुत सारी शिप्स मिलती रहती है। तो लिटरली भाई मज़ा आता है इस गेम को खेलने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपके पास पूरी स्क्वाड है 5 बंदों की, तो आप डेफिनेटली कोई भी किसी को भी मार सकते हो, चाहे सामने बहुत बड़ी शिप क्यों ना हो। मैंने अकेले ने एक बहुत बड़ी शिप को मारा था, तो भाई वो ऐसा कभी कभी मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई आप बड़ी शिप को आसानी से इसलिए मार सकते हो क्योंकि आपके पास छोटी शिप होती है, वो तेज़ भी चलती है, और उसका मतलब एम भी आप अगर बड़ी शिप के पास चले जाओगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन क्लू भाई ऑफ चले गए, शायद उसका क्रैश हो चुका था, तो ऐसा ही था, उसको कुछ काम आ गया था, तो इसलिए वो लोग ऑफ चले गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने एक और राउंड खेला, तो यहाँ पे तो गाइस एक काम करते हैं, इस राउंड को हम अगले वीडियो में डालते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।